भारतीय मूल के ऋषि सुनक भले ही ब्रिटेन के पीएम बनने से चूक गए हों, लेकिन ब्रिटेन की जनता अब कमबैक सुनक के नारे लगा रही है। तो क्या ब्रिटेन की जनता सुनक को पीएम देखना चाहती है? क्या ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस की सरकार मुश्किल में है? क्या सुनक अब पीएम होंगे? आइए सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पिछले ही महीने ब्रिटेन में चुनाव हुए और लिज ट्रस देश की नई पीएम के तौर पर चुनी गई। चुनाव से पहले पीएम रेस में उतर चुके सुनक और ट्रस ने जनता से कई बड़े वादे भी किए, लेकिन पीएम बनने के बाद शायद ट्रस अपने दावों और वादों पर खरी नहीं उतर पा रही, जिस वजह से ब्रिटेन अब कमबैक सुनक के नारे लगा रहा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में बर्मिंगम में कंजर्वेटिव पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में लिज ट्रस के पहले भाषण के दौरान ग्रीन पीस के प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को पार कर सम्मेलन की जगह तक पहुंच गए। गौरतलब है कि ट्रस पिछले महीने ही पार्टी की नेता चुनी गई हैं और पार्टी के प्रमुख सदस्यों को संबोधित कर रही थी, लेकिन भाषण के शुरुआती कुछ मिनटों के बाद दो महिला प्रदर्शनकारियों को बैनर पकड़े देखा गया, जिस पर लिखा था, इसके लिए किसने वोट दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शन को विकास विरोधी गठजोड़ करार देते हुए नजरअंदाज कर दिया और करों में कमी करने और विकास जारी रखने के अपने एजेंडे को दोहराया। माना जा रहा है कि ट्रस ने जनता के असंतोष का घूंट तो पी लिया, लेकिन महीने भर के अंदर इस तरह के प्रदर्शन और विरोध होना बड़े संकेत देता है। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन इस वक्त वो देश है जो बढ़ती महंगाई से परेशान है, और ऐसे में प्रधानमंत्री लिज ट्रस उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। अब जनता कह रही है ऋषि सुनक कमबैक, और संसद का सत्र शुरू होने से पहले ये कैंपेन जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें 11 अक्टूबर से ब्रिटेन में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। मेरे रिपोर्ट्स की माने तो अब कंजर्वेटिव पार्टी के कई नेता भी अपनी पसंद पर पछता रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्सी संभालने के कुछ ही दिनों के अंदर ट्रस ने अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। हालात इस तरह से बिगड़ गए हैं कि ब्रिटेन की सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि ट्रस को अपने वित्त मंत्री कवासी क्वारंटीन को हटाना पड़ेगा, उनका रोल अनिश्चित है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है कि ट्रस को कुछ नेताओं ने सुनक की वापसी कराने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। गौरतलब है कि सुनक ने कहा था सितंबर के अंत तक देश को बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं और अर्थव्यवस्था धराशाही हो सकती है, यानी कि सुनक का अंदाजा बिल्कुल सही था। हालांकि उस वक्त उन्होंने इशारा किया था कि वो ट्रस कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहेंगे, लेकिन 42 साल के सुनक के समर्थकों ने कहा कि अगर ट्रस 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कार्यभार संभालती हैं तो सुनक के साथ ठीक व्यवहार किया जाना चाहिए। फिलहाल सुनक वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, यानी कि वो सरकार में शामिल होंगे या फिर नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी वापसी की मांग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।